नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ निधि तरेजा और आप स्क्रीन पर साथ में देख सकते हैं तनिष्का है। नीट एग्जाम को टॉप किया है तनिष्का ने, रैंक वन हासिल की है नीट जैसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। तो जानेंगे आज तनिष्का से कि कैसे उन्होंने अपनी तैयारी रखी, क्योंकि तैयारी पर न्यूज तक का लगातार फोकस रहता है कि अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कैसी रहती है, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, ये भी जानना चाहिए। हालांकि पीछे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कहाँ से तनिष्का ने पढ़ाई की। और तनिष्का, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर, और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। तनिष्का, सबसे पहले मतलब इस बात का थोड़ा, जैसे आंसर की आ जाती है कई बार, तो इस बात का थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इस एग्जाम में इतने अंक आ जाएंगे, ये आपने आंसर की के अकॉर्डिंग जब अपनी कैलकुलेशन लगाई थी तब आपको ये अंदाजा लगा था कि नंबर वन रैंक आ जाएगी? मैम, मैंने बस जब आंसर की आई थी तब मेरा कंफर्म हो गया था कि मैं एम्स चली जा रही हूँ, बट रैंक वन का तो जब रिजल्ट आया था तभी मुझे पता चला कि मेरी फर्स्ट रैंक है। जी, और किस तरह का माहौल, मतलब आपके पेरेंट्स की भी अगर बात करें तो उन्होंने ये बात एक्सपेक्ट की थी कि रैंक वन जो है वो आप ला पाएंगी? मैं, मम्मी पापा ने रैंक का तो नहीं सोचा था, बट जब मैं जिस दिन एग्जाम देके आई थी फिर मैंने आंसर की जो मतलब आ रही थी उन सबसे मैच किया तो मेरा एम्स दिल्ली कंफर्म हो गया था, तो मम्मी पापा इस बात के लिए श्योर थे कि एम्स मिल जाएगा, बट रैंक का तो जब रिजल्ट आया तभी पता चला। और तैयारी की बात करेंगे क्योंकि न्यूज तक पर हम लगातार अलग अलग एग्जाम की तैयारी पर फोकस करते हैं, तो नीट एग्जाम पढ़ाई डिफिकल्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इसे माना जाता है, कई छात्र जो हैं इसे एक बार में क्लियर कर भी नहीं पाते, लेकिन आपका ये पहला ही अटेम्प्ट था? हाँ मैम, फर्स्ट ईयर था 12th के साथ। जी, और कौन सी क्लास में आपने इसकी पढ़ाई शुरू की थी? मैम ऐसे प्रॉपर नीट के लिए तो मैंने 11th में शुरू किया था। जी, तो 11वीं से ही आपने, मतलब 11वीं की पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में ही आपने नीट की तैयारी शुरू कर दी थी? हाँ मैम, उसके लिए मैंने एलन ज्वाइन कर रखा था कोटा में। जी, तो एलन में या एलन या एलन के अलावा भी जहां से भी आपने अपनी कोचिंग पूरी की या सेल्फ स्टडी भी अगर आपने की, तो किस तरह जो है वो आपकी तैयारी रहती थी? यानी क्योंकि कई जो एस्पिरेंट्स है अभी आपको देख रहे होंगे वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह आपकी तैयारी रहती थी। मैम सबसे पहले तो मेरी क्लास रहती थी 6-6.5 घंटे, उसके बाद मैं आके अपना लंच करती थी, उसके बाद जो सर क्लास में पढ़ाते थे मैं वही वही उसको उसको ही रिवाइज करती थी बार बार, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में सर जो क्वेश्चंस करवाते थे वो वापस से करती थी, और उससे जो रिलेटेड मेरा कोचिंग का मटेरियल था वहां से क्वेश्चन लगा लेती थी, उसके बाद जो हमारा टेस्ट होता था उसमें जो प्रीवियस यूनिट आनी होती थी मैं उसको पढ़ती थी, और जो मेरे वीक चैप्टर्स थे या जो थोड़ा बहुत बैकलॉग बच जाता था उसको रिवाइज करती थी। तो ऐसे कंसिस्टेंटली मतलब मैं रोज 5-6 घंटे पढ़ती थी, और फिर मुझे लास्ट तक भी ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था कि मेरा ये बच रहा है वो बच रहा है, आराम से हो गया था मेरा। जी, और जैसे कई बार बड़ा हाइप रहता है इसको लेकर कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली हर किसी के लिए कोई एक फंडा तो काम नहीं करता, लेकिन आपके लिए 5 से 6 घंटे आपने कहा कि एक दिन में आप पढ़ते थे। यस मैम। तो किस तरह आप अपना टारगेट सेट करके चलते थे कि इस हफ्ते मुझे ये करना है या एक दिन में मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, किस तरह आपका पूरा जो शेड्यूल और स्ट्रेटजी जो थी वो आपकी क्या थी? मैम स्ट्रैटेजी तो ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं थी, बट ऐसा था कि जो मुझे आज पढ़ाया गया है वो आज ही मैं कंप्लीट कर दूंगी, ऐसे कल के लिए नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ऐसे कल कल करते जाएंगे तो मतलब आपके पास बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा और फिर आपसे वो कंप्लीट नहीं होगा। और बाकी मैं बात करूँ तो ऐसा मेरा कोई फिक्स शेड्यूल भी नहीं था, मतलब मैं एक चीज लेके बैठती थी उसको तब मैं चाहे कंप्लीट 2 दिन में करूँ मैं वही चीज करती रहती थी, तो ऐसा मतलब दिसंबर तक भी ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था, बट लास्ट के जो 5-6 मंथ से उसमें मैंने सुबह में देख लेती थी कि आज मतलब फिजिक्स के इतने चैप्टर्स करने हैं, केमिस्ट्री के इतने करने हैं, बायो के इतने करने हैं। जी, अच्छा एक दिलचस्प सवाल ये भी, क्योंकि देखिए 12वीं के बाद जो है आपको, आपके पास काफी एम्पल टाइम रहता है कि आपको अगर नीट का प्रिपेयर करना तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा कि आपने 11वीं से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी, तो 11वीं क्योंकि ऑब्वियसली आप स्कूल पढ़ रहे हैं, तो स्कूल पढ़ने के साथ साथ 11वीं क्लास पढ़ने के साथ साथ 12वीं करने के साथ साथ कैसे आप ये मैनेज करते थे पूरा शेड्यूल?
मैम अगर मतलब 12th के बाद हम 1 साल और रुक के करेंगे तो फिर वही सब मतलब 11th 12th का पूरा कोर्स आपको 1 साल में कवर करना होगा, तो उससे प्रेशर भी आएगा और शायद प्रोडक्टिविटी भी इतनी नहीं आ पाएगी। बट नीट में जो मतलब पेपर पैटर्न है काफी कुछ 5 6 सालों से वो ऐसा है कि मोस्टली एनसीईआरटी पूछते हैं, तो जो आपका बोर्ड का सिलेबस है वही आपका नीट का सिलेबस है, उसके लिए कुछ आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप थोड़ा डिटेल में मतलब अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा आराम से बिना किसी प्रेशर। जी, जैसे कई बार ये सोचा जाता है कि नीट के लिए कोई अलग से ही तैयारी होती है या कुछ खास उसमें आपको एडिशन करना पड़ता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो आपने कहा कि जो आपकी बोर्ड की भी तैयारी रहती है उसमें काफी पार्ट जो है वो वहां भी काम आता है, नीट में भी काम आता है। यस मैम, और कंसिस्टेंटली बात जी मैम, अगर कंसिस्टेंटली वही सब हम पढ़ते रहेंगे तो फिर ऐसा लास्ट तक भी आपको नहीं लगेगा कि मेरा नीट आ रहा है, मतलब मुझे इतना सब कोर्स कवर करना है। लास्ट तक आते आते आपका 1 महीने पहले तो पूरा हो जाएगा, उसके बाद 1 महीना आपके पास होगा, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो उस सबको जो आपने पिछले 2 सालों में पढ़ा है। जी और क्योंकि आपने रिवाइज करने की बात कही तो एक सवाल ये भी कि जब आपका एग्जाम मान लीजिए 1 हफ्ता ही दूर होता है, आपके पास जाहिर तौर पर अब रिवीजन का ही टाइम बचता है, ऐसे में उस 1 हफ्ते में अपनी किस तरह अपनी स्ट्रेटेजाइज अप किया जाए, क्योंकि आप पढ़ तो चुके हैं लेकिन उसको क्योंकि शुरुआत से जो आप जिससे शुरू करते हैं वो थोड़ा थोड़ा वो लूज आउट होने लगता है जो आपने शुरू में पढ़ा है, तो किस तरह उसको स्ट्रेटेजाइज करके रिवाइज किया जाए। मैम अगर उसी टाइम जैसे मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिर अगर क्लास में भी मोस्टली 80% तो याद हो जाता है, उसके बाद अगर घर आके उसी दिन हम रिवाइज कर लेंगे तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। और फिर लास्ट में मैं रिवीजन की बात करूँ तो जैसे आप एक ही चीज को टेस्ट में आपको स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज मतलब ऐसे टेस्ट दे रहे हो आप रेगुलरली, तो आप उस चीज को इतने बार पढ़ चुके हो कि फिर आपको उसको एग्जाम का जो लास्ट का 1 वीक होगा उसमें सिर्फ आपको याद करने वाली चीजें या फिर आप जो जल्दी भूल जाओगे वही सब पढ़ना पड़ेगा, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल होगा और थोड़ा समझने वाला होगा वो आपको पहले से याद रहेगा। अच्छा, जितनी वैसे हाइप है नीट या इस तरह के जो एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, टफ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं नो डाउट, लेकिन जितनी हाइप क्रिएटेड रहती है कई छात्र जो हैं वो इस डर के मारे इस उस एक जो कहते हैं एक परसेप्शन जो बनी हुई है दिमाग में कहीं ना कहीं, उस वजह से कई छात्र अटेम्प्ट भी नहीं करते इस एग्जाम को। तो ये जो हाइप है, ये जो कह लें कि उतना ज्यादा डिफिकल्ट है, उतना डिफिकल्ट है या नहीं है? मैम इसकी हाइप तो इसलिए है ना क्योंकि हम लोग 11th 12th पूरा 2 साल इसको डिवोट करते हैं, उसके जी बाद ये एक 3 घंटे का एग्जाम होगा जो ये डिसाइड करेगा आपकी मतलब आपकी एमबीबीएस कहाँ से करोगे। तो हाइप तो मतलब नेचुरल है, ऐसा होगा कि आप 2 साल पूरा पढ़ रहे हो उस एक 3 घंटे के एग्जाम के लिए, और ऊपर से एग्जाम भी सारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए एक ही है, तो हाइप तो है बट उतना मेरे अकॉर्डिंग उतना डिफिकल्ट नहीं है। आपकी नीट में तो बेसिकली आपके सिलेबस भी इतना वास्ट नहीं है कि आपको काफी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, उसमें तो जी मोस्टली एनसीईआरटी आती है। आपकी एनसीईआरटी पे मतलब आपका अच्छा होना चाहिए, आपने उसको कई बार पढ़ा है तो आराम से हो जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। जी तो मतलब जो भी आपको एस्पिरेंट्स देख रहे हैं वो ये सोच के डर ना जाएं कि इसमें कुछ अलग से ही पढ़ना पड़ता है, या ये है जो आपको तनिष्का बता रही है उन बातों को जरूर ध्यान दे। और तनिष्का अपनी तरफ से वैसे तो यही माना जाता है कि हर किसी के लिए हो सकता है जो आपके लिए काम किया स्ट्रैटेजी वो हर किसी के लिए काम करे, ऐसा जरूरी भी नहीं है। यस मैम, क्योंकि मैंने जिन भी टॉपर्स से बात की है उनका यही कहना रहता है, और हर हर किसी की एक अलग स्ट्रैटेजी नजर आती है, हर किसी की यस अलग मैम, सोच नजर आती है, किसी के लिए क्या वर्क करता है किसी के लिए क्या वर्क नहीं करता। मतलब एक कॉमन एग्जाम्पल ये कि कोई दिन में अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ सकता है तो कोई लेट नाइट पढ़ सकता है, ऐसे ही हाँ यस हर मैम, किसी के लिए जो है वो स्ट्रैटेजी अलग तरीके की वर्क करती है। यस और मैम, इसके अलावा तनिष्का अगर बात करें मतलब बीच में ब्रेक्स की अक्सर बात की जाती है कि लगातार पढ़ाई तो होती है लेकिन उसके बीच में ब्रेक्स हो गए, या फिर रिलैक्स करने के लिए अगर आप कुछ करती हूं। मैम अगर मतलब हम ज्यादा देर लगातार हम मतलब बुक्स लेके बैठे रहेंगे, जैसे कोई एक दिन 15 घंटे पढ़ लेगा तो अगले 2 दिन उसके वेस्ट जाएंगे, मतलब वो नहीं पढ़ पाएगा, तो इससे अच्छा हम कंसिस्टेंटली 5 6 घंटे पढ़े। और दूसरा आपने बोला लॉन्ग आर्ट्स के लिए,
तो जब हम काफी देर तक पढ़ लेते हैं तब एक टाइम ऐसा आता है आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हो बिल्कुल, बुक चाहे आपके सामने हो बट उसके जो अंदर लिखा है वो आपके अंदर नहीं जा रहा होता है। तो बीच जी बीच में ब्रेक्स और रिलैक्सेशन सब जरूरी है। जैसे रिलैक्स करने के लिए मैं क्या तो गाने सुन लेती थी, या फिर अपने पेरेंट्स से बात कर लेती थी, अपनी बहन से बात कर लेती थी, या कभी कभी स्कूल के जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे भी बात कर लेती थी। जी और क्योंकि आपने पेरेंट्स की बात तो यहाँ की, लेकिन उसके पहले जो आपने ये कहा कि जो 5-6 घंटे वाली पढ़ाई है आपके लिए तो यही काम करती थी, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे टॉपर्स जिनसे मैंने भी बात की, वो कहते थे कि डबल डिजिट में उनका नंबर रहता था कि 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे। तो ये वही बात है कि हर किसी के लिए वो काम यस करे ना मैम, करे ये जरूरी नहीं। लेकिन इसके अलावा आपने अपने पेरेंट्स का जिक्र किया, किस तरह वो आपको मोटिवेटेड रखते थे? क्योंकि मैं यही मानती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि आप घर में हमेशा उनके साथ सराउंडेड रहते हैं, तो उनका सपोर्ट, उनके कहे हुए शब्द आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। यस मैम, मेरे पेरेंट्स ने मतलब मुझे 100% सपोर्ट किया। जैसे अगर मेरे मार्क्स कम भी आ जाते थे कभी कभी और रैंक थोड़ी कम हो जाती थी, तो कभी मम्मी पापा ये नहीं बोलते थे कि तेरे मार्क्स कम क्यों आए, उल्टा मैं बोलती थी तब, हमेशा ऐसे बोलते थे कि बेटा तू कर रही है, हमें पता है, तेरे को पता है, तो रिजल्ट पक्का आएगा, बस तू अपना 100% दे और एक्सपेक्ट कुछ मत कर। रिजल्ट मतलब जब तेरा फाइनल नीट होगा, जो तुझसे अभी गलतियां हो रही है, गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। तो कभी भी मेरे को मार्क्स के लिए कभी प्रेशराइज नहीं किया, और बाकी मतलब मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं कर लूंगी। तो फिर आज मतलब जो रिजल्ट आया उसमें मेरे पेरेंट्स का तो बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। जी और वैसे आप अपनी जो हायर सेकेंडरी आपका जो पढ़ाई रही हो, 10वीं की आपकी, 12वीं की पढ़ाई रही हो, उस वहां भी आप टॉप स्कोरर थी, टॉप रैंकर आप थी वहां भी? मैम मेरा 12th में 98.6% था और 10th में था 96.4। जी तो कहीं ना कहीं आप मतलब वो फ्रंट बेंचर ही रही हैं, और उसी तरह के आपके मार्क्स भी अच्छे आते रहे हैं। और वही बात है कि जैसा हम कहते हैं और जैसा सरकार की तरफ से भी इस बार कहा गया था कि नीट में जो सिलेबस रहता है वो आपको जो 10वीं 12वीं 11वीं का जो सिलेबस रहता है उससे काफी हद तक मिलता जुलता रहता है, तो वो आपको मदद करता है कहीं ना कहीं। यस मैम, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि कुछ अलग से ही पढ़ाई करनी होती है? कई बार ये स्टूडेंट सोचते हैं और उस वजह से जो है वो देते नहीं है, क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं में आप जो है जो जो भी आपका सिलेबस रहता है वो कहीं ना कहीं नीट में तो काम आता ही है। यस मैम, मतलब नीट में जो वही आता है जो आपने मतलब 11th 12th में पढ़ा होता है, तो ऐसा कुछ मतलब अगर आप किसी चीज के पास ही नहीं जाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा वो चीज क्या है। तो हमें ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन नहीं रखते हुए अपना जो आप क्लास में आप टीचर के सामने बैठ के पढ़ रहे हो तो उस बात पे पूरा ध्यान दो जो टीचर पढ़ा रहा है, उन टीचर्स पे पूरा फेथ रखो, वो जो बात बोलते हैं उसको फॉलो करो, एनालाइज मत करो। जी टीचर अगर आपको बोलता है कि बेटा ये करना है तो फिर करना है। और जैसे मैं बात करूं बुक्स के लिए, तो नीट के लिए तो मेनली एनसीईआरटी या फिर आप किसी भी कोचिंग वगैरह का स्टडी मटेरियल वो रेफर कर सकते हो। बाकी इधर उधर बुक्स के लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसा सोचते हो कि हम एक चीज लेंगे उसको हम अलग अलग सोर्सेस से पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर आप ज्यादा बुक्स पढ़ोगे तो एंड में क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और रिजल्ट नहीं आएगा। और उल्टा अगर आप ऐसे करोगे कि आप एक ही मतलब एनसीईआरटी को बार 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 पढ़ोगे तो फिर एनसीईआरटी आपको पूरी याद हो जाएगी और उससे आपका स्कोर भी अपने आप इम्प्रूव करेगा। जी और कई बार जैसे मैंने कहा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपने कहा कि आपको मोटिवेटेड रखते थे, हमेशा इनकरेज करते थे, लेकिन जब जैसे मॉक टेस्ट होते थे या जो भी आप सैंपल टेस्ट आप देते होंगे उसमें कभी मार्क्स कम आते थे, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट जो वो है वो भी होने लगता है कि कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिस्करेजिंग लगता है जब तक वो रिजल्ट आपको नहीं दिखाई देता जो आपको चाहिए। तो उसके लिए वो कॉन्फिडेंस आपने अपने अंदर कैसे बरकरार रखा? क्योंकि आसपास के लोगों की भूमिका एक हद तक सीमित जरूर रहती है, लेकिन अंत में अपने ऊपर ही होता है पूरा दारोमदार।
मैम टेस्ट में एक आध बार मतलब मार्क्स कम आ जाते थे या फिर रैंक बेकार चली जाती थी, तो मुझे एक बार के लिए तो बहुत बुरा लगता था कि मतलब मेरे आसपास सब लोग हैं, वो मुझसे इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी तो मतलब मैंने किया क्या। बट फिर मैं सोचती थी, मैं पेरेंट्स से बात करती थी और मेरे टीचर्स मतलब मैं सबसे बहुत ज्यादा अटैच थी, वो लोग मेरे लिए 24x7 अवेलेबल रहते थे, मतलब मैं उनसे किसी भी चीज के लिए बात करती थी तो वो बोलते थे कि तू पेरेंट्स को बाद में बता बट पहले हमें बता। तो फिर वो मुझे बोलते थे कि बेटा तू टेंशन मत ले, और मेरा फिर मुझे फाइनली लगता था कि आज ये गलती मैंने इस टेस्ट में की तो अच्छी बात है ना, फाइनली अगर नीट में यही क्वेश्चन आ जाता है तो फिर ये गलती मैं नहीं करूंगी। और मैंने अपनी सारी जो सिली मिस्टेक्स थी उनको कंपाइल किया था और मैंने उसको नीट से पहले रिवाइज किया ताकि मैं वही गलती दोबारा ना करूं। जी, और एक सवाल ये भी, ये अक्सर पूछा जाता है कि सोशल मीडिया या इस तरह के और अन्य डिस्ट्रैक्शंस होती हैं लाइफ में, हर किसी की लाइफ में है, और उससे आप बिल्कुल दूरी बना ले ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि पिछले सीबीएसई और अन्य कुछ ऐसे टॉपर्स रहे जिन्होंने कहा कि उनका अकाउंट ही नहीं है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या डिस्ट्रैक्शन आपके लिए बनी या आपने उसको एक हेल्पफुल टूल की तरह इस्तेमाल किया? मैम सोशल मीडिया पे बाकी तो मतलब फेसबुक इंस्टा पे तो नहीं है, बट खाली मेरा व्हाट्सएप अकाउंट था, उससे मैं अपने स्कूल के जो फ्रेंड्स थे उनसे बात करती थी, और मेनली तो टीचर से डाउट पूछने के लिए। तो मेरे लिए ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बल्कि मेरे लिए तो अच्छा टूल था जिससे मेरी काफी हेल्प हुई। जी, लेकिन कई बार मतलब जिस मतलब डिस्ट्रैक्ट आपने एक अच्छी तरह, एक पॉजिटिव टूल की तरह उसको इस्तेमाल जरूर किया, जो आपका आपको जहां भी मदद चाहिए होती थी वहां आप अपने टीचर्स को व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच करते थे। लेकिन उसके अलावा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि बड़े एडिक्टिव होते हैं आजकल, कि आप स्वाइप करें और उसके बाद एक के बाद एक जो है वो नए नए लिंक्स आते रहते हैं, तो उस तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन आपके लिए नहीं रहा? हम नहीं रहा। जी, और बात करें आपकी कोचिंग को लेकर, जैसे आपने कहा कि आपने कुछ आपने अपने जो प्रोफेसर जो सर रहे आपके, कौन सी फैकल्टी है और किस तरह की फैकल्टी जो है आपको ट्रेन करती है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि आज आपको देख रहे हैं इस न्यूज़ तक के माध्यम से स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहते हैं कि किससे जाकर पढ़ा जाए या कहाँ जाकर पढ़ा जाए, या फिर दूसरा सवाल ये कि क्या सेल्फ कोचिंग यानी घर बैठे भी आप इसको पढ़ सकते हैं या आपको एक कोचिंग में जाना ही पड़ेगा? मैम ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मतलब आपको कोचिंग जाना ही पड़ेगा, बट कोचिंग मतलब आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप कोचिंग में जाओगे तो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आपके आसपास जो बच्चे होंगे वो आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो मैं क्लास में जब मेरे बैचमेट्स को देखती थी, वो लोग ब्रेक में भी कभी ऐसा फालतू की बातें सब नहीं करते थे, वो अपना जो कल पढ़ाया होता था या फिर जो टेस्ट में आना होता था वही सब डिस्कस करते थे। तो उनको देख के मेरे को लगता था कि अगर ये लोग इतना कर रहे हैं तो इससे ज्यादा मैं करूं। तो आपको मतलब पता चलेगा यहाँ पे बाकी अलग अलग जगह के बच्चे आए हुए हैं, तो फिर आपको पता चलेगा मतलब आप स्टैंड कहाँ पे करते हो। जी, और इसी से जुड़ा ये सवाल कि जो आपने कहा कि आप और बच्चों को देखते थे, तो कहीं ना कहीं कंपेरेटिव स्पिरिट भी आती थी आप में? हाँ यस मैम, मतलब हेल्दी कंपटीशन था, मैं देखती थी वो ज्यादा पढ़ रहा है तो फिर मैं और ज्यादा करूँ, वो ये चीज उसमें अच्छी है तो फिर ये चीज मैं भी शुरू करूँ, क्या पता है मेरे लिए भी काम करे। जी, और आगे के आपके प्लान्स की अगर बात करें कि आगे मतलब अगला जो आपका कदम है वो कहाँ होने वाला है? मैम अभी मुझे एम्स दिल्ली से MBBS करनी है, उसके बाद मुझे अच्छे कॉलेज से PG करनी है। जी, और अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म में बात करें, अगले 5 साल में 7 साल में अपने आप को आप कहाँ देखती हैं? मैम अगले मतलब मुझे PG अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट मतलब मैंने 3 ऑप्शन सोचे हैं, कार्डियो या फिर न्यूरो या फिर ओंको, और इसके अलावा भी अगर कोई चीज मुझे ज्यादा फैसिनेट करेगी MBBS में तो मैं उसमें MS करना मतलब चाहूंगी, मैं उसके लिए उसका डॉक्टर बनना चाहूंगी। जी, और तनिष्का, आपके कुछ सोशली भी आप एक्टिव हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, सोशली भी आप काम करना चाहती हैं, उसके बारे में अगर आप बता पाएं?
हाँ मैम, अगर मतलब हम लोग आसपास देखते हैं कि सबके पास तो इतने पैसे नहीं होते, मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब वो बीमार होते हैं, तो फिर उनके पास इतने अच्छे मतलब इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते कि वो जाके अपने मतलब अपना इलाज करवा पाए और अपनी वो हेल्थ वापस से रिकवर कर पाए। तो जब मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो जाऊंगी, जब मुझे जॉब वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, तो मैंने सोचा मैं ऐसा कुछ एनजीओ स्टार्ट करूंगी जो उन लोगों की हेल्प करेगा जो जाके मतलब अच्छी हेल्थ केयर जिनको नहीं मिल पाती। जैसे हम देखते हैं कई रिमोट एरियाज में हेल्थ केयर की मतलब इतनी फैसिलिटीज नहीं है वहां पे, उन लोगों को उनके पास बेसिक डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं जब मुझे जॉब वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, मैं सेटल हो जाऊंगी, तब मैं कुछ ऐसा एनजीओ टाइप का कुछ बनाना चाहूंगी जो उन लोगों की हेल्प कर सके। जी, ये आपकी उम्र की एक लड़की जो जिसने अभी अर्ली 20s में और नीट जो है वो उसमें नंबर 1 आपकी रैंक आई है, बहुत बड़ी बात मुझे लगती है। ऐसी सोच अपने आप में, ऐसा माइंडसेट अपने आप में बड़ी बात है कि आप, और ये कहीं ना कहीं माइंडसेट आपके घर से भी आता है इस तरह का कि हाँ मैम, किसी की मदद की जाए किसी तरह। हाँ मैम, मतलब हमारे आसपास जो लोग होते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स, उन सब से सीखते हैं मतलब सब कुछ कि वो लोग क्या करते हैं, तो हम उनको देख के सीखते हैं हमें क्या करना चाहिए। और ये जैसा आपने कहा कि जो मदद करने की भावना है, तो कहीं ना कहीं नीट में जो आपने एग्जाम देने की भी अगर आपने सोची, तो क्या यही भावना उसके पीछे थी कि कल को जाकर मैं कहीं ना कहीं किसी की मदद के काम आऊं? हाँ मैम, क्योंकि हम देखे तो डॉक्टर जितना नोबल प्रोफेशन कोई नहीं है, मतलब आप किसी की जान बचा पाते हो, तो फिर उसके जो रिलेटिव्स या फिर उसकी जो फैमिली होगी उस वो मतलब उनको जितनी सेटिस्फेक्शन होगी उसको देख के आपको जितना अच्छा लगेगा, उतना मेरे अकॉर्डिंग तो किसी और प्रोफेशन में नहीं है इतना सब सेटिस्फेक्शन, अगर आप किसी के लिए कुछ कर पाते हो तो। जी, और खास तौर पर कोरोना के वक्त में हमने देखा किस तरह डॉक्टर्स हाँ जो थे मैम, पूरा हाँ देश की बैकबोन बने हुए थे, तो कहीं ना कहीं वहां से भी हाँ आपकी इंस्पिरेशन आती है कि किस तरह डॉक्टर्स का कोरोना वॉरियर्स बनकर काम उन्होंने किया। हाँ मैम, क्योंकि उस टाइम मतलब उनको भी हो सकता था, बट फिर भी वो लोग अपनी सर्विस देते रहे और इतने सारे लोगों की उन्होंने लाइफ बचाई, वरना अगर डॉक्टर्स ने उस टाइम वो अपने लिए ज्यादा सोचते तो फिर इंडिया में और भी ज्यादा अभी भी नुकसान तो हुआ, क्योंकि मतलब वो काफी डेंजरस वायरस था, बट उससे भी ज्यादा होता और मतलब जो मतलब देश था वो और पीछे चला जाता उस वजह से, अगर डॉक्टर्स वहां पे अपना सब कुछ अपनी खुद की लाइफ को सेक्रिफाइस करके आगे नहीं आते तो। जी, और ये जो आपने नीट देने की सोची, आपने सोचा मुझे डॉक्टर बनना है, एम्स दिल्ली में आपको जाना है, ये सब आपने कौन से अपने लाइफ के स्टेज पे सोचा था, या हमेशा से बचपन से ही आपने सोचा हुआ था? मम्मी मतलब ऐसा कुछ मैंने पहले डिसाइड नहीं किया था, बट 8th 9th में आके मुझे हो गया था कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे नीट ही देना है। जी, और वो कहीं ना कहीं आपको तभी से आपके पेरेंट्स पुश करते रहे? मैम पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया, मतलब मम्मी पापा तो हमेशा ये बोलते थे तू वो कर जो तेरा मन कर रहा है, तो जी, फिर मतलब मैंने सोचा मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो फिर उन्होंने मतलब मेरा सपोर्ट किया और बोला हाँ, फिर और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तो फिर तेरे को जो करना है तो कर। जी और इसके अलावा ऐसी कोई 2-3 टिप्स अपनी तरफ से आप अंत में देना चाहें जो सभी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे हमने बात की कि हो सकता है हर स्ट्रैटेजी सबके लिए काम ना भी आए, लेकिन हाँ मैम, 2-3 ऐसी चीजें जो सबके काम आ सकती हैं। मैम सबसे पहले तो मतलब कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, आप बजाय कि आप एक दिन बैठो, उस दिन आपने 15, 16, 17 घंटे पढ़ाई की, फिर अगले 2 दिन आपने वेस्ट कर दिए, इससे अच्छा है कि आप रोज 5-6 5-6 घंटे आराम से पढ़ते रहो और डेली का डेली करते रहो, ताकि कोई बैकलॉग्स क्रिएट ना हो। और जब आप पढ़ रहे हो तो चाहे आप कम पढ़ो, बट जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो आराम से अच्छी से, मतलब कंसिस्टेंसी विद कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और दूसरी चीज जो आपको लगता है, मतलब आप खुद को तो आप सबसे अच्छे से जानते हो, तो जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उस चीज से पहले ही दूरी बना लो, ताकि आगे आपको फ्यूचर में रिग्रेट ना करना पड़े कि मैंने उस दिन वो कर लिया होता तो फिर आज ये होता, अगर मैंने उस टाइम पढ़ाई की होती तो आज ये होता। और तीसरी चीज, आप अपना 100% दो, उसके बाद एक्सपेक्ट मत करो, जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा, और अगर मार्क्स कम आते हैं तो फिर ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है हम ये एनालाइज की करें कि हमने गलतियां कहाँ की है, क्योंकि अगर हम ओवर थिंकिंग करेंगे
तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, उल्टा हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज वगैरह यही सब होंगे, जिससे हमारी जो जर्नी है, प्रिपरेशन है, उस पर भी असर पड़ेगा। जी। और तनिष्का, ये 720 में से 715 मार्क्स लाना बड़ी बहुत ही बड़ी बात होती है, और चार ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिनके ये मार्क्स आए, क्या इसके पीछे सक्सेस मंत्र आप बोल लीजिए या फिर कुछ कुछ भी आप बोलिए, लेकिन इसके पीछे 715 मार्क्स लाने के पीछे कितनी आपकी मेहनत रही? मैम, मतलब मेरी मेहनत भी रही और मेरे टीचर्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने मतलब मेरे लिए मुझसे ज़्यादा एफर्ट्स किए, और मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स और मेरी स्पेशली मेरी बहन, क्योंकि जब भी मुझे डिमोटिवेटेड फील होता था तो मैं मोस्टली उससे बात करती थी। जी जी तनिष्का, आपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है कुछ ना कुछ हर स्टूडेंट के लिए यहाँ इस बातचीत में जरूर मिला हमें, और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे और स्टूडेंट्स निकल कर आएंगे। अच्छा, एक सवाल अंत में ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ बात करनी जरूरी है कि हो सकता है कई स्टूडेंट्स एग्जाम तो दें लेकिन क्लियर ना भी कर पाए, उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको लोग अब इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं, दे लुक अप टू यू, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि हो सकता है एक नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में उनका हो जाए। हाँ मैम, बेसिकली हम देखें तो मतलब हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा काम ये होना चाहिए कि हमने कोई गोल बनाया तो फिर हमारा सिर्फ इतना कर सकते हैं हम कि हम अपना इनपुट 100% देंगे उसमें, हम मतलब अपनी तरफ से पूरा करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ना कि हम लोग देखते हैं कि मतलब काफी केसेस ऐसे सुसाइड कर लेते हैं बच्चे डिसअपॉइंट होके। तो बेसिकली हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि एग्जाम्स लाइफ का पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है, और ना ही आपकी लाइफ का आखिरी एग्जाम था। अगर आपने पूरी डेडिकेशन अपना पूरा सिंसियरली अच्छे से किया है तो लाइफ आपको और भी बहुत सारे मौके देगी कि आप खुद को प्रूव कर सको। तो इसको ऐसा मत लो कि आपका, आपने पूरी मेहनत भी की आपका नहीं हुआ तो फिर अभी डिसअपॉइंट या फिर रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप जो अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो उसमें रिजल्ट पक्का अच्छा आएगा। जी तनिष्का, बहुत अच्छे नोट पर इसे एंड करेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज तक से जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट जो हमें इस वक्त देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बातों को सीरियसली लेते हुए अपनी तरह की एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे और नीट जैसे एग्जाम में जो है वो सफलता जरूर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम।